हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पंकज फन विद फिनिलिया में आपका स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के अंदर केमिस्ट्री फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट। जब अपन सॉलिड स्टेट के बारे में बात करेंगे तो इस चैप्टर में अपन देखेंगे कि जो आपका सॉलिड है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, साथ में जो सॉलिड है उसको कैसे क्लासीफाई किया जाता है, किस बेस पर उसको क्लासीफाई करते हैं, इसके साथ क्रिस्टल डेटिस क्या है और उसके साथ यूनिट सेल क्या होती है, जो आपका यूनिट सेल है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं या जो एटम्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद अपन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, वॉइड्स और पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। सो स्टूडेंट, आज का जो सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, इसलिए स्टूडेंट इस वीडियो को आप शेयर करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर करें। ओके स्टूडेंट, तो आज स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक सॉलिड स्टेट। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अगर बात करें अपन तो अपन ने जो छोटी क्लासेस थी अपनी उसके अंदर अपन ने बात की थी कि सॉलिड्स क्या होते हैं। जो जूनियर क्लासेस थी उसमें अपन ने क्लास नाइन्थ के अंदर अपन ने बात की थी मैटर के बारे में, ठीक है, जो मैटर है वो क्या होता है उसके बारे में अपन ने देखा था। उसके साथ जो मैटर है उसकी कितनी स्टेट होती है, तो उसकी तीन स्टेट होती है। कौन कौन सी? थ्री स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इस चैप्टर में अपन सॉलिड स्टेट के बारे में ही पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, सॉलिड जो होता है वो बेसिकली आपका कैसा होता है? हार्ड होता है, ठीक है। इसके साथ अपन जानते हैं कि जो सॉलिड है उसके पास एक डेफिनिट शेप और डेफिनिट शेप के साथ साथ एक डेफिनिट वॉल्यूम होता है। क्या होता है? एक डेफिनिट शेप और डेफिनिट शेप के साथ साथ एक डेफिनिट वॉल्यूम होगा। यानी कि जैसे मान लो आपका लैपटॉप है तो लैपटॉप का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, एक डेफिनिट शेप है। आपका मोबाइल है तो उसकी भी क्या है? एक डेफिनिट शेप और उसका एक डेफिनिट वॉल्यूम है। इसके साथ इनके पास एक पर्टिकुलर क्या होता है? मास भी होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो जो सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ के अंदर आती है वो आती है इसकी कंप्रेसिबिलिटी। तो सॉलिड पार्टिकल्स या जो सॉलिड मैटर होते हैं उनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? नेग्लिजिबल होती है। अब बोले सर कंप्रेसिबिलिटी क्या है? कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कि प्रेशराइज करने की जो एबिलिटी होती है, यानी कि आप सॉलिड को प्रेशराइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हो। तो सीधी सी बात, अपन सॉलिड्स को प्रेशराइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पास पास में होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा? काफ़ी ज़्यादा पास पास में होते हैं, इसके कारण अपन क्या नहीं कर सकते, इसको प्रेशराइज नहीं कर सकते, इसीलिए इसकी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर देखें अपन तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है पार्टिकल्स के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बेटा। क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस था वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। तो बेटा याद रखना, अट्रैक्शन फोर्स कब इंक्रीज होता है? जब डिस्टेंस क्या हो आपका? डिक्रीज हो। यानी अगर पार्टिकल पास पास में है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा आपका? ज़्यादा होगा। और अगर पार्टिकल दूर दूर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। जैसे कि अगर आप लोग क्लास के अंदर बैठते हो तो क्लास के अंदर आप दो दोस्त अगर पास पास में बैठोगे तो जो आपका कम्युनिकेशन ज़्यादा होगा कि कम होगा? तो आप कहोगे सर ज़्यादा होगा। क्यों भाई? क्योंकि आप लोग पास में बैठे हो। लेकिन अगर आपको एक, जैसे मान लो आपका जो दोस्त है उसको एक तो इस लाइन में बिठा दिया जाए, जैसे आप तो इस लाइन में बैठे हो और दूसरा जो आपका जो फ्रेंड है वो किस लाइन में बैठा है? यहाँ बैठा है। तो आपके बीच में क्या हो गया? दूरियाँ बढ़ गई, जिसके कारण क्या होगा? यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं होगा, यानी अट्रैक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो सॉलिड जो सब्सटेंस होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी क्या होती है? हाई होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है सॉलिड्स की जिनके बारे में जानना अपन को ज़रूरी था। प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपन ने जान लिया कि भी सॉलिड कैसा होता है, ठीक है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। अब बात करते हैं कि अपन जो टाइप्स ऑफ सॉलिड, कि जो सॉलिड्स है उनके कितने टाइप्स होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं? आपके दो टाइप के होते हैं सॉलिड्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है एमॉर्फस सॉलिड। क्या होता है आपका? एक तो क्रिस्टलाइन होता है और एक क्या होता है? एमॉर्फस। स्टूडेंट देखिए, ये आपका बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनकी पहली प्रॉपर्टीज़ है कि ये कैसे होते हैं, इनकी जो शेप होती है, ज्योमेट्रिकल शेप होती है, वो क्या होती है? डेफिनेट होती है, मतलब चेंजेबल नहीं होती। लेकिन जो आपका एमॉर्फस सॉलिड है, जो आपका एमॉर्फस सॉलिड होता है उसकी शेप कैसी होती है बेटा? उसकी शेप होती है इरेगुलर।
कैसी शेप होती है इसकी? इरेगुलर। तो पहले प्रॉपर्टीज क्या होगी क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप होती है, बट एमॉर्फस सॉलिड की क्या होती है? इरेगुलर शेप होती है। सेकेंड अगर बात की जाए तो इसके अंदर क्या होता है आपका, सेकेंड अगर बात करें तो इनके पार्टिकल्स के अंदर क्या होगा बेटा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर यहाँ देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर देखने को मिलता है, बट एमॉर्फस सॉलिड में क्या होगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर देखने को मिलेगा। अब बोले कि शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज का मतलब क्या है, तो लॉन्ग रेंज का मतलब है कि यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दिखेगी वो लगातार कंटिन्यूसली यहाँ पर बनती जाएगी। जैसे मान लो आपका ये है, तो ये स्ट्रक्चर क्या है आपकी, लगातार बन रही है। क्या कहीं से ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो रही है? क्या कहीं से ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो रही है? ये स्ट्रक्चर कहीं से ब्रेक नहीं हो रही, एक कंटिन्यूस वे में आपकी चल रही है, तो इसे अपन बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। यानी जो लगातार चले, जो लंबे, जो बेसिकली क्या करें, लॉन्ग टर्म तक आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपकी बनती जाए, यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे आपकी अगर स्ट्रक्चर बन रही है तो उसे अपन बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। बट शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या होता है, तो देखिए स्टूडेंट, जैसे मान लो आपका ये बन गया, जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। अब ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो बनना चाहिए तो ऐसे, लेकिन हो सकता है कि ये कैसे चला जाए, ये ऐसे चला जाए, ठीक है। ये कैसे चला जाए आपका, ये ऐसे चला जाए, ठीक है, ओके। इसके साथ जैसे मान लो ये बीच में से ब्रेक हो जाए इस तरीके से, तो ये क्या हो गया, ये आपका शॉर्ट रेंज ऑर्डर, यानी कि जो आपकी स्ट्रक्चर थी वो थोड़े टाइम तक ही रही। अब जैसे इसको ऐसे समझ सकते, जैसे मान लो अपन करते हैं 1 2 3, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या चल रहा है, ये आपका जो ऑर्डर है वो लगातार चल रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है। 1 के बाद 2 आया 2 के बाद 3 आया 3 के बाद 4 आया 4 के बाद 5 आया 5 के बाद 6 6 के बाद 7 और 7 के बाद 8, तो ये क्या चल रहा है, ये आपका कंटिन्यूस ऑर्डर चल रहा है। बट अगर यहाँ पर आपको क्या दिखता है, 1 से 3 आ गया 3 से 5 आ गया 5 से 7 आ गया, इसका मतलब ये बीच में ब्रेक हो रहा है, तो इसको अपन बोल देंगे शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो आप इस स्ट्रक्चर से भी समझ सकते हो और इस ऑर्डर से भी आप लोग समझ सकते हो। तो क्या समझे आप कि भाई जो आपका ऑर्डर जो होता है इसके अंदर, जो ऑर्डर होगा किसके अंदर आपका, क्रिस्टलाइन के अंदर, वो तो क्या होता है आपका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, ठीक है। बट अगर बात की जाए किसकी, अगर बात की जाए एमॉर्फस सॉलिड की, तो उसके अंदर कैसा होगा, उसके अंदर शॉर्ट रेंज ऑर्डर आपको देखने को मिलता है, ओके स्टूडेंट। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, थर्ड प्रॉपर्टीज की, जिसके अंदर आता है इनका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है सभी को पता है, ठीक है। जिस पॉइंट पर आपके, या जिस टेम्परेचर पर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए उसे अपन उसका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो बेटा याद रखना, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, शार्प होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट शार्प होने का मतलब क्या है कि अगर किसी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट अगर आपको एक फिक्स बताया गया है, लाइक जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड है, उसका कितना है 700 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो सोडियम क्लोराइड है वो 700 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर आने पर क्या होने लग जाएगा, मेल्ट होने लग जाएगा। यानी ये इसका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट है, इस पर आकर क्या हो जाएगा आपका जो NaCl है यानी सोडियम क्लोराइड है वो मेल्ट होने लग जाएगा। लेकिन यहाँ ये स्थिति नहीं होती, एमॉर्फस सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है आपका, ये एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पर मेल्ट होना स्टार्ट होता है, तो ये क्या होगा, मेल्ट ओवर A range of temperature. तो अगर एमॉर्फस सॉलिड की बात की जाए तो इसके अंदर क्या होता है कि जो पर्टिकुलर टेम्परेचर, जैसे मान लो किसी एमॉर्फस सॉलिड के लिए आपको क्या दिया गया, 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बताया गया, कि इस टेम्परेचर पे आकर जो एमॉर्फस सॉलिड है वो क्या होगा, वो आपका मेल्ट होना स्टार्ट होगा। लेकिन ये क्या करेगा, ये 1000 डिग्री से होते होते ये किस में चला जाएगा, 2000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा, और उस वक्त ये मेल्ट होना, यानी यहाँ से मेल्ट हुआ लेकिन बेसिकली जो कम्प्लीटली मेल्ट कहाँ पर हो रहा है, ये आपका 2000 डिग्री सेल्सियस तक। इसका मतलब कि जो आपको वैल्यू बताई गई थी वो क्या नहीं है, फिक्स नहीं है, वो क्या है, फिक्स नहीं है।
तो एमआरफा सॉलिड के अंदर क्या होता है, जो आपका कोई भी सॉलिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, वो क्या हो सकता है आपका एक रेंज ऑफ टेम्परेचर के, रेंज ऑफ टेम्परेचर से ज़्यादा में क्या होगा, वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा। यानी कि अगर आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दिया गया तो उससे भी कई ज़्यादा टेम्परेचर पर जाकर वो क्या होता है, मेल्ट होता है। लेकिन अगर बात की जाए क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प होता है। यानी जितना टेम्परेचर इनके लिए बताया जाता है उसी टेम्परेचर पर जाकर ये क्या हो जाते हैं, आपके मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। कहते हैं इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में, तो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इसके जो एजेस होते हैं यानी शार्प एज ऑन कटिंग, क्या मतलब है इसका, कि जब आप किसी सॉलिड को काट रहे हो, जब आप क्या कर रहे हो, किसी सॉलिड को काट रहे हो, यानी आपने इसको क्या कर दिया, आपने इसको यहाँ से कट कर दिया, तो कट करने के बाद जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगी, जो आपको क्या मिलेगी, जो आपको स्ट्रक्चर मिलेगी, उसमें काटने के बाद इसकी जो एजेज होते हैं, यानी कि जो एजेज को काटने के बाद जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड के एजेज होंगे यानी उसके किनारे होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं बेटा, शार्प होते हैं। क्या होते हैं, शार्प होते हैं, यानी इरेगुलर नहीं होते, वहाँ पर आपको कोई अलग पैटर्न देखने को नहीं मिलता, एकदम प्लेन पैटर्न वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यानी वो कैसा होता है, उसके जो एजेज होते हैं वो कैसे होते हैं, शार्प होते हैं। लेकिन अगर बात करें किसकी, एमआरएफ सॉलिड की, तो बेटा एमआरएफ सॉलिड में क्या होता है, अगर आप प्लास्टिक को या ग्लास को, जैसे मान लो ग्लास को आप क्या कर रहे हो, काट रहे हो, ग्लास को आप क्या कर रहे हो, काट रहे हो, तो उसको काटने के बाद क्या देखते हो आप, कि ग्लास के अंदर कुछ इस तरीके से आपको क्या होती है, क्रैकिंग देखने को मिलती है, इस तरीके की आपको यहाँ पर किनारों पर आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। इसका मतलब कि जो आपका ग्लास होता है या जो एमआरएफ सॉलिड है उसकी शेप कैसी हो जाएगी, कट करने के बाद इरेगुलर शेप हो जाएगी। तो स्टूडेंट क्या समझे आप, कि जब भी अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट किया जाएगा तो उनके जो एजेज होते हैं, उनके जो किनारे होते हैं, वो तो क्या हो जाते हैं आपके, शार्प होते हैं। उनके किनारे कैसे होते हैं, उनके किनारे शार्प होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए आपके एमआरएफ सॉलिड की, तो इनके किनारे कैसे रहते हैं, इनके किनारे इरेगुलर होते हैं, इरेगुलर एजेज ऑन कटिंग। तो काटने के बाद इनके जो एजेज होते हैं वो कैसे होते हैं, इरेगुलर होते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करें, सॉलिड जो है वो होते हैं आपके अनआइसोट्रोपिक। कैसे होते हैं बेटा, अनआइसोट्रोपिक, ये कैसे होते हैं, अनआइसोट्रोपिक इन नेचर। और ये कैसे होते हैं, ये आपके आइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं, आइसोट्रोपिक इन नेचर। और इसके बाद जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, कि ये तो होते हैं ट्रू सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, ट्रू सॉलिड, एंड जो आपके एमआरएफ सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, फॉल्स, या इसे अपन बोल सकते हैं शूडो सॉलिड। कैसे होते हैं, शूडो सॉलिड, और इन्हें अपन क्या बोलते हैं, सुपर कोल्डेड या सुपर कोल्डेड या कूल्ड लिक्विड, इन्हें अपन क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। क्योंकि जो आपका ग्लास होता है, कांच जो होता है, वो बेसिकली क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, जैसे देखो यहाँ पर एग्जांपल की बात की जाए, तो इनके एग्जांपल क्या होते हैं, प्लास्टिक और ग्लास, जो कांच होता है आपका। इसके साथ अगर अपन बात करें इनके एग्जांपल की, क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो सभी को पता है एक तो होता है आपका डायमंड और दूसरा आपका क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। सो स्टूडेंट ये तो था आपका कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं और एमआरएफ सॉलिड क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट अपन चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब अपन यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ ट्रू सॉलिड के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, ट्रू सॉलिड के बारे में। तो आपको यहाँ पर वैसे भी अपन को झूठे आदमियों के, झूठे लोगों की बात करना पसंद भी नहीं है, तो अपन किसकी बात करेंगे, सिर्फ ट्रू सॉलिड की बात यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि, तो ट्रू सॉलिड यानी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है आपके, क्रिस्टलाइन जो सॉलिड है वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो टाइप होता है वो किसके बेस पे किया जाता है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑपरेटिंग इन देम, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट,
जितने भी ये सॉलिड बन रहे हैं उनके अंदर यानी उनके पार्टिकल्स के बीच में कौन से फोर्सेस लगते हैं, उनके पार्टिकल्स के बीच में कौन से फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, उसके बेस पर जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनको फोर टाइप में डिवाइड किया गया है। तो बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड को किसके बेस पर डिवाइड किया जाता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है जो होता है आपका मोलिकुलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं अपन मोलिकुलर सॉलिड की। काफ़ी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं खपाना इसके अंदर, बस सीधा सा आपको याद रखना है जो मैं बता रहा हूँ उसी पे आपको फोकस करना है, बस आपका जो ये टॉपिक है वो आराम से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अगर बात करते हैं अपन मोलिकुलर सॉलिड की, तो इन सॉलिड्स के अंदर जो इनके पार्टिकल्स के रूप में क्या प्रेजेंट होते हैं, मोलिक्यूल्स, क्योंकि नाम से पता लग रहा है तो मोलिकुलर सॉलिड है, तो क्या होगा, मोलिक्यूल्स आर पार्टिकल्स ऑफ मोलिकुलर सॉलिड, यानी जो मोलिकुलर सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट है वो कौन से होते हैं, वो आपके होते हैं मोलिक्यूल्स के रूप में, यानी जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं मोलिकुलर सॉलिड के वो क्या होते हैं, मोलिक्यूल्स होते हैं। सॉलिड को फिर तीन पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है, इनको फर्दर थ्री के ग्रुप के अंदर डिवाइड किया जाता है, एक तो होता है आपका नॉन पोलर, एक होता है आपका पोलर और थर्ड आपका होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। तो स्टूडेंट देखिए, अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कि नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड यानी नॉन पोलर यानी उनमें क्या नहीं हो रहे, पोलर पोल तो जनरेट हो नहीं रहे उनमें, तो उनमें क्या होगा, जैसे नॉन पोलर क्या होते हैं, जिनके अंदर पोल्स जनरेट नहीं होते, तो बेसिकली ये कैसे होते हैं, नॉन पोलर जो होते हैं आपके मोलिकुलर सॉलिड वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं। इसके साथ अगर पोल्स जनरेट नहीं हो रहे तो बेटा क्या होगा, ये कैसे होंगे, इंसुलेटर होंगे। कैसे होंगे, इंसुलेटर, इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। इसके बाद इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, एमपी के नाम से समझ लेना मेल्टिंग पॉइंट, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, काफ़ी कम होता है, वेरी लो। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड का वो काफ़ी कम होता है, काफ़ी ज़्यादा लो होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो इनके अंदर इसमें कौन सा फोर्स लगता है, लंडन डिस्पर्सन फोर्स। कौन सा फोर्स लगता है आपका, लंडन डिस्पर्सन फोर्स। अब देखिए स्टूडेंट, ये आपका जो फोर्स है वो बेसिकली कब लगता है, ये आपके क्राउडेड एटम्स के कारण लगता है, या जो क्राउडेड जो आपके पार्टिकल्स हैं, अगर किसी सॉलिड में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर एटम्स प्रेजेंट होंगे या जो क्राउड होगा, तो एक क्राउडनेस के कारण क्या होता है, जो लंडन फोर्स है वो आपको वहाँ देखने को मिलता है। तो नॉन पोलर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये सॉफ्ट होते हैं, ये इंसुलेटर होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इनका बहुत ही कम होता है, और इनके अंदर कौन सा फोर्स लगता है, इनके पार्टिकल्स के अंदर लंडन फोर्स, लंडन डिस्पर्सन फोर्स इनके अंदर देखने को मिलता है। अगर इनके एग्जांपल की बात करेंगे तो आपका जैसे कि I2, आयोडीन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और CCl4, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अब अपन बात करेंगे पोलर की। किसकी बात करेंगे, पोलर मोलिकुलर सॉलिड की। तो पोलर मोलिकुलर सॉलिड भी कैसे होते हैं बेटा, पोलर मोलिकुलर सॉलिड भी सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ये भी कैसे होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। ये भी कैसे होते हैं बेटा, इंसुलेटर होते हैं। इसके साथ साथ इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट लो होता है बट नॉन पोलर से ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या होगा, नॉन पोलर से ज़्यादा होगा। और इनके अंदर जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलता है वो कौन सा मिलता है, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ देखने को मिलता है, यानी कुछ ऐसी कंडीशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर डाइपोल इंट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, इनके एग्जाम्पल आपके HCl, SO2, NH3, ये सभी क्या है, पोलर
मोलिकुलर सॉलिड की एग्जाम्पल है। तो इनकी क्या होगी प्रॉपर्टी, सॉफ्ट होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन यहाँ देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अपन बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड की। इसकी बात करें अपन हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड की, अगर आपको ये लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। ये सॉलिड कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। इसके अलावा ये कैसे होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, यानी इनके अंदर से भी इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करवाया जा सकता। नेक्स्ट अगर बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, आपका लो होता है, लेकिन पोलर और नॉन पोलर के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसके साथ इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं उनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इनके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और इनका एग्जांपल होता है आपका H2O। क्या होता है, H2O। तो अब अपन देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, इट इज़ प्राइमरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए हाइड्रोजन एटम विच इज कोवेलेंट बाउंडेड टू ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो देखिए स्टूडेंट, एच और एफ के अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिलती है, वैसे H2O के अंदर भी देखने मिलती है, लेकिन अपन एच और एफ के अंदर देखेंगे। तो जैसे मान लो ये आपका क्या है, एच और एफ है, ये क्या है, एच एफ, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर बात करें कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, तो बेसिकली हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में जो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, उसे अपन बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इस कंडीशन में आपका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है, तो आपको पता है कि जब भी अगर अपन पीरियड में क्या करते हैं, अपन लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसमें फ्लोरीन की क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और एफ, इन दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी। तो इसके कारण क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, इसके ऊपर तो आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन और फ्लोरीन, इन दोनों के बीच में जो आपको एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिख रहा है, इस फोर्स को या इस बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं, इस बॉन्ड को अपन बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपका H2O यानी वाटर के अंदर भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि अगर H और O की तरफ अगर अपन देखें तो ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। तो सीधी सी बात है, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो क्या होगा आपका, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा। लेकिन याद रखना, हमेशा ये किसके बीच में बनता है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उनके बीच ही बनेगा। ऐसा नहीं आप हर किसी के बीच में बनाने लग जाओ, ये सिर्फ हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट होते हैं उन्हीं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। देखिए स्टूडेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो आपका आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, उनसे तो क्या होता है आपका, वीक होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो आपका आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, इनसे तो वीक होगा, लेकिन जो वांडरवाल फोर्सेस होते हैं यानी जो वांडरवाल बॉन्ड होते हैं उनसे ये क्या होता है आपका, स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है जी, तो वांडरवाल फोर्सेस किस में लगते हैं, यानी वांडरवाल जो बॉन्ड है वो कहाँ बनता है, याद रखना बेटा, ये इनर्ट गैसेस में बनता है। ये कहाँ बनता है, इनर्ट गैसेस में बनता है, और काफ़ी ज़्यादा वीक होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये अपन ने बात कर ली हाइड्रोजन बॉन्ड की।